अब हम आपको लिए चलते हैं बिहार के वैशाली जिले के मंसूरपुर गांव, जहां पर कोरोना के खौफ की वजह से गांव में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। छोटे से गांव में एक महीने में 17 मौतें हुई हैं। देखिए आज तक संवाददाता सुजीत झा की ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना का टेस्ट नहीं कराया, लक्षण सब वही, सब लक्षण वही था, हम तो कह ही रहे। तकरीबन एक महीने में यहाँ पे 17 मौत। हम मौजूद हैं मंसूरपुर गांव में। मंसूरपुर गांव आमतौर पर तो एक कोरोना प्रभावित गांव है, जिसमें करीब 17 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव में एक ऐसा घर है जो लोगों से दूर होने की वजह से, आप यूं कहें यहां से पलायन कर गए लोग, इस परिवार के लोग। ये मोहम्मद मंसूर का मकान है, आप देखिए ताला लगा हुआ है। और इस परिवार में 10 लोग, 10 सदस्य थे, जिसमें 2 की मौत कोरोना से हुई। लेकिन आस पड़ोस में लोगों के का सहयोग ना मिलने की वजह से, यहाँ तक कि राशन ना मिलना, इसकी वजह से ये लोग गांव छोड़कर चले गए। हमारे साथ इस गांव के मुखिया मोहम्मद मुजाहिद अनवर मौजूद है। ये बताइए क्यों चले गए ये लोग छोड़कर? इन लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। मौत और जिंदगी तो भगवान के हाथ में है, लेकिन इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ कि अगल बगल के पड़ोस के लोग इनसे बात करना छोड़ दिए। बगल में मार्केट है, वहाँ से इनको राशन मिलना बंद हो गया। लोग एक हे दृष्टि से देखना शुरू कर दिए, जिसको वजह से यहाँ से पलायन करके। मेरा नाम जाहिद अख्तर है। जाहिद जी, ये बताइए आपके भाई जो है जी साजिद अख्तर, साजिद अख्तर, तो उनका क्या हुआ, कैसे उनका इंतकाल कैसे हो गया? है ना कि सर्दी खांसी फीवर, लास्ट में पता चला कि टाइफाइड है, सांस फूलना, कुछ ना खाना पीना, एकदम कुछ टेस्ट नहीं समझ में आना, यही था। आप लोगों ने टेस्ट कराया था कुछ, मतलब क्या पता चला कि? टेस्ट तो बताया है कि आपको एकदम टाइफाइड क्लियर था, बुखार छूट ही नहीं रहा था, उसी कारण कोरोना का टेस्ट नहीं कराया। लक्षण सब वही था, सब लक्षण वही था, हम तो आपको कह ही रहे हैं। आप बताइए क्या स्थिति? इसी से सर बहुत भयावह है। यहाँ एक दो नहीं कई मौतें हुई, जो सर्दी खांसी बुखार और सांस लेने में दिक्कत, सांस के सबको प्रॉब्लम था, सांस लेने में कि सांस लेने में भी छोड़ने में भी दिक्कत होती थी। और हम लोग बहुत प्रयास किए कि ऑक्सीजन वगैरह का भी सुविधा हम लोग को मिले, प्राइवेट से भी ये नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से सारी मौतें हुई। सबको सर्दी खांसी बुखार और सांस लेने में दिक्कत, यही सब कुछ सारा जितने भी यहाँ से एक्सपायर किए। और इतनी बुरी स्थिति हो गई कि लोग मिलना जुलना भी नहीं चाह रहे थे। कोई अगर मर गया तो हम लोगों तो गुसल दिया जाता है, और उसके लिए लोग तैयार नहीं होते थे ले जाने के लिए कब्रिस्तान, किसी तरह लोग सब किए। इस गांव में 17 मौतें हुई हैं, जिसकी वजह से खौफ का आलम आज भी बरकरार है। लेकिन साथ ही इस गांव के लोगों में आक्रोश भी है, क्योंकि न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और न कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने के लिए यहां आया। कैमरामैन नदीम आलम और संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, मंसूरपुर वैशाली आज तक। यूपी के प्रयागराज में गंगा के किनारे शवों को दफनाने की खबर आज तक ने दिखाई थी, जिसे लेकर विद्युत शवदाह के इंतजाम का मुद्दा भी उठा, जिस पर अब यूपी सरकार ने मोहर लगा दी है। देखिए आज तक की खबर का बड़ा असर। आज तक की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर घाट पर बनेगा विद्युत शवदाह गृह। शुक्रिया सरकार कि आपने आज तक की सुनी। जरूर कहना है कि उभार आए शवों का अंतिम संस्कार हो जाए तो बेहतर हो। शुक्रिया सरकार कि आपने आज तक की मानी तो बेहतर हो।
और सबसे बेहतर तो ये हो कि बाहर निकल आए शवों का इलेक्ट्रिक शवदाह यंत्र से सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा कि शरीर से निकली आत्मा को मोक्ष का रास्ता मिल जाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा कि मिट्टी में दबे हुए शवों का अंतिम संस्कार हो जाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा कि शवों के साथ अब बर्बरता ना होने पाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा, तो विद्युत सौदागिरी बन जाएगा, तो जिससे जो है लोगों को असुविधा नहीं होगी और लोगों को कम पैसे में जो है अंतिम संस्कार हो सके। जगह चिन्हित कर ली गई है, जगह चिन्हित कर ली गई है। हमने 18 तारीख को अपने इसी शंखनाद में प्रयागराज में गंगा के किनारे शवों की कतारें दिखाई थी और कहा था कि इन शवों का सामूहिक संस्कार क्यों नहीं कर दिया जाता। हमने 25 तारीख को अपने इसी शंखनाद में फिर से खबर दिखाई थी और फिर से सरकार से मांग की थी कि गंगा के किनारे इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाकर शवों का अंतिम संस्कार सामूहिक तौर पर क्यों नहीं कर दिया जाता। कहा ना, हमें प्रशासन की नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि उभार आए शवों का अंतिम संस्कार हो जाए तो बेहतर हो, रेती पर शवों को दफनाने का सिलसिला बंद हो जाए तो बेहतर हो, और सबसे बेहतर तो यह हो कि बाहर निकल आए शवों का इलेक्ट्रिक शवदाह यंत्र से सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया जाए। शुक्रिया सरकार कि आपने इस ओर सोचा, शुक्रिया कि प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर अब इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनेगा। इस शवदाह गृह बनने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पहले से यहाँ दबाए गए शवों का अंतिम संस्कार तो हो ही जाएगा, साथ में गंगा घाट पर आने वाले शवों का भी अंतिम संस्कार सही तरीके से हो सकेगा। तो कोई अब मजबूरी में गंगा की रेती पर नहीं दबाएगा अपनों का शव, कोई नहीं ओढ़ाएगा रेत की चादर और उस पर रामनामी, कोई नहीं गाड़ जाएगा गंगा किनारे अपने परिजनों के शव पर पहचान का बांस। शुक्रिया सरकार। अभिषेक मिश्रा, प्रयागराज आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार